आज हम जेंट्स अलीगढ़ पजामे की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। मेजरमेंट इस प्रकार है, फुल लेंथ 40 इंच, सीट 36 इंच, बॉटम 16 इंच। सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे, फुल लेंथ प्लस नेफा टर्निंग प्लस बॉटम टर्निंग। फुल लेंथ हमारी इसमें है 40 इंच, नेफा टर्निंग 1.5 इंच, बॉटम टर्निंग 1.5 डेढ़ इंच, टोटल 43 इंच। 43 इंच हमारी जो है पजामे की लेंथ निकल करके आई, लेकिन इसमें हमें आसन ऐड करके चलना होता है लेंथ में। ये हमारी लेंथ है टोटल, इस लेंथ में हमें आसन के लिए भी ऐड करके चलना होता है लेंथ। सीट है हमारी 36 को 3 से डिवाइड किया 12 प्लस 2 14 इंच, 43 में 14 इंच और ऐड करते हैं लेंथ निकालने के लिए, क्योंकि इसमें से हम दो एक लेयर एक साइड से और एक लेयर एक साइड से सेंटर करके निकालते हैं। तो ये जो टोटल हमारा आएगा ये हमें लेंथ लेनी है 43 प्लस 14, ये हो गया हमारा 57 इंच। ये जो लेंथ निकल के आई 57 इंच, हमें जब हम कटिंग करेंगे तो कपड़े की जो लेंथ होनी चाहिए वो 57 इंच होनी चाहिए, और कपड़े का अर्थ जो है वो पूरा रखते हैं। फिर इसको काटने का जो तरीका मैं दूसरी वीडियो में आपको काटने का भी बताऊंगी कैसे है। इसमें दोनों ही जो है सेंटर करके फिर निकालते हैं। ये लेंथ है, सबसे पहले जब आप कपड़े की लेंथ निकाल लेंगे इस तरीके से, निकालने के बाद इसमें लेंथ लेंगे, ये हमने जो आसन का ऐड किया लेंथ में वो इसलिए ऐड किया है क्योंकि हम जो दो पार्ट निकालेंगे एक साइड से एक और एक साइड से एक निकालते हैं, तो ये हमारी टोटल लेंथ है यहां से यहां तक। विड्थ निकालने के लिए, जो पजामे की पूरी विड्थ निकालनी है हमें, सीट का हाफ, सीट हमारा 36 है, हाफ निकाला 18 इंच। ये लेंथ लाइन है, इससे हम अंदर जाएंगे 18 इंच, अंदर जाने के बाद ये हम लेंथ और विड्थ दोनों ही हम निशान इस प्रकार से लगा देंगे। निकल करके आई है और 57 इंच लेंथ। इस प्रकार से लेंथ वाइज विड्थ निशान हम लगाएंगे। ये लगाने के बाद ये जो हमारी विड्थ है इसका हम सेंटर लगा लेते हैं। विड्थ का यहां से यहां तक की विड्थ का सेंटर लेंगे, ये हमारी विड्थ में सेंटर के निशान हमने लगा लिए।
उसके बाद हम क्रोच लाइन निकालेंगे। ये हमने यहां से यहां तक सीट का हाफ 18 इंच, क्रोच लाइन निकालना है सीट डिवाइड बाय 3 प्लस 2 इंच। 36 को 3 से डिवाइड करने पर 12 इंच प्लस 2 इंच इजिकल टू 14 इंच, ये हमारी क्रोच लाइन निकल करके आई। यहां से डाउन आएंगे, क्रोच लाइन का निशान लगाएंगे यहां पर। ये क्रोच लाइन का निशान लगाने के बाद टोटल जो लेंथ है हमारी 43 इंच है। 43 इंच, ये 57 तो हमें फुल लेंथ निकाली। क्यों निकाली? क्योंकि हमें टू लेयर में ड्राफ्टिंग करनी है। सबसे पहले हम ये 43 लेंगे। सबसे पहले हमने ये जो लेंथ ली यहां से यहां तक हमने ये ली 57 इंच। अब हमें लेंथ का निशान लगाना 43 इंच। यहां से हम 43 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने यहां पर 43 इंच पर निशान लगाया और ये हमने यहां पर बॉटम का निशान लगाना है इस प्रकार। ये लगाने के बाद ये जो हमारी टोटल लेंथ है पजामे की यहां से यहां तक 43 इंच, इसका हाफ करेंगे। यहां से यहां तक का हाफ करेंगे। हाफ जहां पे आएगा यहां पर निशान लगाएंगे। लेंथ का हाफ किया, निशान लगाया, ये जो क्रोच लाइन है इसको यहां पर सीधा मिला देंगे। इस प्रकार ये मिलाने के बाद ये जो हमारी क्रोच लाइन है इससे और ये जो हमने निशान लगाया इससे तिरछा मिलाने के बाद हम इसकी शेप कर देंगे गिदरी की। इस प्रकार शेप करके इससे मिला देंगे। और ये जो हमारी बॉटम है यहां पर हमने बॉटम ली है, बॉटम का हाफ प्लस 1 इंच, 16 इंच हमारी बॉटम है। बॉटम का हाफ किया 16 इंच का, 8 इंच प्लस 1 इजिकल टू 9 इंच। यहां से हम यहां तक 9 इंच पर निशान लगाएंगे और जो हमारी रेखा है इससे हम इसको इस प्रकार से मिला देंगे। ये यहां से यहां तक फुल लेंथ, फोल्ड साइड है ये। ये हमने जो है क्रोच का लिया था सीट डिवाइड बाय 3 प्लस 2 इंच इजिकल टू 14 इंच। ये हमारी एक लेयर तैयार हुई। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से लेंगे। अब आप देखिए जो हमने एक्स्ट्रा लेयर क्यों लिया, इसलिए लिया कि हम जब ये दूसरी तरफ का हम क्रोच का निशान लगाएंगे तो ये हमारी जो विड्थ है, विड्थ तो हमने यहाँ पर सीट डिवाइड बाय सीट का हाफ करके ले रखा है, सीट का हाफ हमारा 18 इंच है। तो फिर हम जब दूसरा पार्ट निकालेंगे, एक पार्ट हमारा ये है एक ये है, तो आसन का निशान लगाएंगे हम यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेते हैं 14 इंच ताकि हमारा एक पार्ट यहाँ से निकल गया, एक पार्ट हमारा यहाँ से। जितना आसन हमने यहां पर लिया है उतने पे हम यहां पर निशान लगाएंगे। वही हम लेंथ लेंगे, जितनी लेंथ ली है यहां पर हमने लेंथ का निशान लगाया है। ये यहां से यहां तक जितनी हमने फर्स्ट पार्ट में बॉटम ली है उतनी ही हम बॉटम का निशान लगा देते हैं। इस लेंथ का हाफ करेंगे जैसे यहां पर किया, और यहां पर ये हमने निशान लगाया, इसको सीधा क्रोच लाइन से मिलाएंगे इस प्रकार। और बॉटम लाइन को गिदरी लाइन से इस प्रकार से जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया उसी प्रकार हम यहां पर मिला देंगे।
और इसकी जैसे हमने ये वाली गोलाई की उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी हल्की हल्की गोलाई करते हुए और इसको इस प्रकार मिला देंगे। ये हमने यहाँ पर सीड डिवाइड बाय 3 प्लस 2 इंच इज इक्वल टू 14 इंच, ये हमारी यहां से यहां तक फुल लेंथ है। फुल लेंथ हमारी निकल करके 43 इंच आई थी, ये फुल लेंथ है, ये भी हमारी फोल्ड साइड है। ये हमने जो एक्स्ट्रा लिया था वो हम आप समझ ही गए होंगे हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने एक पार्ट इधर से निकाला है और एक पार्ट हमने इधर से निकाला है। सीट का हाफ 18 इंच। अब क्या करना है, हमें म्यानी शो करनी है। अगर हमें म्यानी शो करनी है तो उसके लिए ये जो हमारा मार्जिन बचा हुआ है ये वाला और ये वाला, इसमें से ही हम अपनी म्यानी लेते हैं। म्यानी लेने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारी क्रोच की लाइन है इससे हम आगे आएंगे, ये हम यहाँ पर म्यानी शो करेंगे, ये हमारी जितनी भी लेंथ होती है इसको ले आते हैं और ये जो बॉटम है हमारी इस बॉटम से हम इस म्यानी की गोलाई इस प्रकार कर देते हैं। एक म्यानी हमारी ये हो गई। दूसरी के लिए हम यहां से इसी क्रोच से ऊपर की तरफ जाते हैं और जितनी हमने लेंथ इस म्यानी की रखी है उतनी लेंगे और बॉटम से इसकी गोलाई इस प्रकार से हम कर देते हैं। ये हमारे सेकंड हो गई, सेकंड पार्ट के लिए। ये हमारा जो है फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट म्यानी और सेकंड पार्ट की सेकंड म्यानी। ये जो म्यानी है हमारी यहां पर एक्स्ट्रा आगे हम जितनी हमारी होती है निकालने का जो फॉर्मेट है वो है हमारा हिप सीड डिवाइड बाय 12। सीड हमारी 36 है, 36 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 3 इंच। ये जो हम विड्थ लेते हैं यहां से यहां की 3 इंच और इसको यहां पर जो हमारी क्रोच लाइन है, क्रोच लाइन को इस प्रकार से हम मिला देते हैं। इसी प्रकार यहां पर भी ये जो बनाई है म्यानी इसकी भी हम यहाँ पर इस प्रकार से शो करेंगे और ये इस प्रकार से यहाँ पर अटैच हो जाएगी। ये वाली यहाँ अटैच हो जाएगी निकल करके और ये वाली यहाँ पर अटैच हो जाएगी। ये हमारे जेंट्स अलीगढ़ पजामे की ड्राफ्टिंग बनकर तैयार है।